तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी फैमिली बैठी है लेमन टी पीने के लिए, और हजमोला टी वाली जो है बैक में जो फेस मेरे तरफ नहीं की है। और इस तरह हमारी सारी फैमिली निकल गई है घूमने के लिए, और सुबह में हम लोग का अचानक से प्लान बना, तो मैं जा रही हूँ अपने नानी के घर, और नानी के घर में बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ, पूरे 9 महीने के बाद, मतलब हमारी नानी जून में एक्सपायर हुई थी, तो उसके बाद भी मैं नानी के यहाँ नहीं जा पाई, तो आज हम लोग निकले प्लान बना के। और आकृति के पापा का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन अचानक से तैयार हो गए। वैसे हम आकृति और बाबू 3 लोग जाने वाले थे, लेकिन आकृति के पापा का जो प्लान है वो सडनली बना हुआ है, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं रास्ते में, और नानी के जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग सुबह कई रुपये नाश्ता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद लगता चला जाएगा, क्योंकि नानी के घर का रास्ता कितने दूर पर है, कम से कम 50 किलोमीटर। तो नाश्ता का टाइम हो गया, तो हम लोग सोच रहे थोड़ा नाश्ता कर लें, उसके बाद चला जाए। तो फ्रेंड हम लोग रास्ते में रुके हैं, थोड़ा जाम लग गया था, तो हम लोग सोचे कुछ खा लेते हैं, या बाबू के लिए आया है छोला भटूरा, और हम लोग भी अपने ले ले रहे छोला भटूरा, तो बाबू सोच रहा है खाओ ठंडा हो गया है, और आकृति अपने ले ले रही है पेपर डोसा, और आकृति के पापा भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ। और रास्ते में दिख रही है इस तरह से जाम, इससे भी ज़्यादा जाम लगा था एक जगह पर, हम लोग रिटर्न भी हो गए थे, लेकिन फिर पता चला कि पानी हो क्या बोलते बिजली नहीं आ रही है ना, तो पानी के टैंक वाले भैया आए थे, तो सारे लोग भर रहे थे पानी, इसी वजह से जाम लगा हुआ था, और जाम जैसे ही हटाए हम लोग निकल गए वहाँ से। तो फ्रेंड हम लोग ने लिया है टिक्की और कोल्ड ड्रिंक, और ये नानी के घर का रास्ता, तो अभी थोड़ी दूर के रास्ते पे आकृति के पापा पेट्रोल भरवाने वाले हैं, और मेरा दवा, और आकृति ने अपने लिए क्रैक्स आपके लिए, पंजाबी तड़का आप पता नहीं मेरे लिए, क्योंकि और यहाँ तो बहुत सारे स्लाइस, और ये आलू वाली टिक्की नानी के घर के लिए। बात कहते हैं छोटी छोटी जो दुकानें होती है वहाँ की टिक्कियाँ बहुत टेस्टी लगती है, 12-20। तो मैं नानी के घर जब भी जाती हूँ इस वाली दुकान से वाली टिक्की जरूर खाती हूँ, उसके साथ में हरी मिर्च मिलती है, प्याज मिलता है। तो फ्रेंड अभी हम लोग जस्ट आज नानी वाले घर के रास्ते, और ये हमारे नानी के घर का रास्ता, और काफ़ी जाम के बाद हम लोग इधर आ पाए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था, और हम लोगों ने रिटर्न हो गया था घर जाने के लिए, लेकिन फिर हम लोग कुछ खाने के लिए जैसे ही रुके वहाँ पे, तो वापस के आने के लिए फिर काफ़ी लग गया, और यहाँ आता थे हम लोग को इस टाइम पे 1:15 वाला है, मतलब हम लोग को 3 से 4 घंटा लग गया है आते थे। हाँ तो थोड़ी देर में हम लोग नानी के घर पहुँच जाएंगे, यहाँ से नानी के घर का दूरी 500 मीटर और है। फ्रेंड आ गए अभी जस्ट नानी के घर हम लोग, और इधर नाना जी सोए हुए हैं, टन टन आए। टन टन आए, बताना पड़ता है, हाय गाइस, ये गाइस मिठाई, गाइस मिठाई, गाइस हाय गाइस, गाइस मिठाई मिठाई, गाइस अरे 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 गाइस, हम आते आते कांड कर दिए, फ्रेंड आते आते ही मैंने वो कर दिया, क्या कर दिया, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है, हमारे ब्लॉग में नए इंसान का स्वागत है, हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमी का।
मौसी जो है फ्रेंड मेरी डेली ब्लॉग देखती है और फिर बोलती है फिर बोलती है कि मुझे ब्लॉग में नहीं लाती तो मैं मौसी को ला दी। और इधर जो भी नाश्ते आए थे इधर मौसी देखे कितने इंतजाम से पॉलिथीन को खोले जा रही हैं। और ये जो भाई है ना छिपा के खा रहा है। कलकत्ते वाली मिठाई कहाँ गई जी? कलकत्ता का मिठाई लाओ जरा दिखाओ थोड़ा। तो फ्रेंड ये जो मिठाई है मासी ने बंगाल से लाया हुआ है। हमने कलकत्ता का मिठाई पहली बार देखा है, खाने के लिए कल खा लेंगे। और इधर देखिए हाँ आवत आवत ही आवत रास्ता भी। और मैंने इतनी सारी फैमिली बैठी है लेमन टी पीने के लिए और हजमोला टी वाली जो है बैग में जो फेस मेरे तरफ नहीं की है वो है। और इस तरह में आपको कितने लोग दिख जाएंगे? और दस सिस्टर सोई हुई मिल जाएगी। उधर जाने की तैयारी में इधर मम्मी भी आ चुकी हैं और लोग उधर भी तैयार होकर बैठे हुए हैं। मौसी जा रही है इतनी जनसंख्या उनको पहुंचाने के लिए जा रही है और सिस्टर बाहर नहीं जा रही है वो अंदर रहेगी। तो यहाँ पे ऑटो आ चुकी है और मौसी के जाने के बाद हम भी जाएंगे। और ये बंगाल वाली मौसी आई अपने घर के लिए। हाँ हाँ तो क्या लगा तुमको रोड पे खड़ी है जा रहे भैया? ठीक है जाओ फिर मिलेंगे। तुम क्या यहाँ से हो पिंक शर्ट वाले? फोन किसका आ रहा है जी? किसका आ रहा है फोन? हेलो फ्रेंड देखिए नानी का ये नया घर बना है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। अभी बनने में इसको टाइम लगेगा, शादी के शादी तक तैयार हो जाए 2 महीने में। अभी फिनिशिंग बाकी है, सिर्फ सिलाब पड़ा है ऊपर। तो हम लोग आए हैं देखने के लिए और घर के बाहर खिड़की है, खिड़की के बाहर किसी का घर है वो दिख रहा है। और इधर गैया माता भी है और सामने इधर से सीढ़ी था, ये बंगला था पहले, पुराना वाला घर है मतलब नानी का बंगला था। और ये रास्ता था, इधर गाय बचती थी, इधर भी घर बन गया है। भूसा है बोल रहा है ले जाने के लिए। हम ना बात हुई नया नंबर ब्लॉक की लेंगे सब बोल रहा है। जगह आपके पास है? दे रहा है आपको तार कितना लो? आकर के पापा खुश हो गए गाय का भूसा देख के। मतलब सब कर लिख लेंगे तो गलत काम कर रहा था समझ रहे वो ध्यान नहीं दिए दे दिए। सही है 149 से। तो फ्रेंड हमने लिया है यहाँ पे टमाटर चाट और यहाँ पे क्रंची मोमोज बाइट और ये आकृति का स्टीम मोमोज। आकृति की स्टीम लिया मैंने, क्रंची फ्राई मोमोज लिया जो कि थोड़ा सा यूनिक है लेकिन काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और इधर ये टमाटर चाट, पहले मैं इसको फिनिश करूँगी फिर इसके बाद मोमोज। इसमें आकृति के पापा मेरे दोनों लोग आए, ये भी हम दोनों लोग आए। तो फ्रेंड हमारे घर की दूरी यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मिनट का है। हम लोग शॉपिंग के लिए ज़्यादातर यहीं पर आते हैं और मेन मार्केट हम लोग का यही है। पता चला अभी जस्ट की लाइट चली गई तो रात के बजने वाले हैं इस टाइम पे 10। और हम लोग नानी के घर से आए हैं, आते आते हम लोग के शाम के 6 बज गया था।
तो हम आए और थोड़ी देर आराम किए कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद। फिर मैंने डिनर में बनाया था चावल दाल और सुबह में मम्मी ने बना रखा था कचालू वाली सब्जी और पूरी। तो दो चार पूड़ियाँ बची थी और कचालू बचा था, तो मैंने चावल दाल बनाया। उसके बाद अभी जस्ट खा रहे हैं बारी बारी से लोग, तो आकृति और बाबू खा रहे हैं। अम्मा चली गई है पुराने वाले घर पर सोने के लिए और आकृति बाबू खा रहे मिल जाएंगे। इधर कैलेंडर में पता नहीं कौन सी तारीख देख रहे हैं। और इधर देखिए जब पानी नहीं आ रहा था ये सब पानी भर के आया हुआ है, वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी भी जो बिजली है कट हो रही है आ रही है, तो कोई ठीक नहीं है कि पानी मिलेगा या नहीं, इसलिए पानी को सेव करके यहाँ पे रखा गया है। तो मैं जा रही हूँ निकालने डिनर अपने लिए और अपने पापा के लिए। तो अभी बाहर आधी बहुत तेज से आई हुई है तो लाइट कट गई है, पता नहीं रात में आएगी कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ बेटू, अच्छा बाबू को चावल दाल के साथ अचार चाहिए, मैं जा रही हूँ बाबू को देने के लिए अचार और फिर इनके लिए मैं निकालूँगी डिनर। तो फ्रेंड अभी आकृति के पापा का भी डिनर लग गया और ले चलती हूँ उनको भी देने के लिए। कहाँ पर खाएंगे? आज यहाँ नीचे खाएंगे। चलिए आप यहाँ बैठ के खा लीजिए। और अब मैं जा रही हूँ अपना भी प्याज चाहिए आकृति, प्याज ले चलो किचन में। आ? क्या जामुन? बाबू को जामुन चाह रहा है, बताइए कल आएगा जामुन ना। तो मैं भी जा रही हूँ लाने अपना डिनर आकृति के पापा के साथ यहीं पर बैठ के कर लूँगी। और अभी इनको चाहिए प्याज, तो पहले मैं लाके इनको प्याज देती हूँ। बाबू तुम खा लिए? अभी आधे के साथ बारिश भी काफ़ी तेज से स्टार्ट हो गई है, तो बाहर देखना कि कपड़े तो नहीं ना छूटे हैं मेरे, तो लाके उनको अंदर रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आकृति ने प्याज कट करना भी शुरू कर दिया, तो नहीं हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा। खाना बनाती हूँ प्याज काटने से डरती है।